हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सॉफ्ट साइलेंट एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉन्ड एसएमपी सीजन 2। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हम लोग एक नया शॉप बनाए थे जो कि कोरल शॉप था। तो दिखने में एकदम बेकार लग रहा था वो शॉप, ये मेरे को भी पता है। तो आज की वीडियो में तो वो वाला शॉप हम लोग कंप्लीट मतलब पूरा नहीं करने वाले हैं और उसको चेंज करना पड़ेगा, तो वो किसी दूसरे पार्ट में करेंगे। तो फिलहाल मैं अभी हूँ गार्डियन फार्म में, और गार्डियन फार्म में इसलिए हूँ क्योंकि मेरा स्टॉक ख़त्म हो रहा था सील एंट्रेंट के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा सील एंट्रेंट चाहिए था और टाउन हॉल पे भी सील एंट्रेंट डोनेट करना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं इधर पे एफ के था और मेरे को हेल्प किया था टैको मैन ने, जो कि हमारा एक बॉन्ड मेम्बर्स है। थैंक यू टैको मैन मुझे हेल्प करने के लिए, और मुझे बहुत सारा उसके साथ साथ बहुत सारा फीस भी मिल गया है जो कि जाने वाला है एलाला कैफ़े में, क्योंकि एलाला कैफ़े में ये सब चीज़ें बिकता है और मैं एलास्ट्रॉइड को ये देने वाला हूँ मैं। और ये देखो, इतना सारा सी लैंटर्न मिला है जो कि कुछ तो मैं स्टॉक करने वाला हूँ अपने शॉप पे और कुछ मैं डोनेट करने वाला हूँ टाउन हॉल में, और बाकी जो प्रिजमन शार्ड है ये मैं अभी ऐसे ही रख दिया क्योंकि इसका भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है, क्योंकि किसी को डार्क प्रिजमन चाहिए होता है तब ये नहीं मिलता, इसलिए मैं ये अभी क्राफ्ट नहीं करने वाला प्रिजमरीन ब्लॉक्स में। तो अभी इसको ऐसे ही रखते और फटाफट चलते शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट पे और ये पूरा स्टॉक अप कर लेते और ये पूरा मछली मैं अलाला कैफे में डिलीवर कर देता हूँ। तो गाइस, आ गए हैं शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में और देख लेते हैं कि हमारे जो पोस्ट बॉक्स है इसमें कुछ चिट्ठी आया कि नहीं। ओ भाई साहब, इतना सारा कुकीज़। स्लाइम प्राइस रिड्यूस्ड, ओके, स्लाइम का प्राइस घट चुका है। और अनसब टू गोल्डी, ओके, ठीक है, जिसने भी लिखा है मैं गोल्डी को अनसब्सक्राइब कर दूंगा, थैंक यू बोलने के लिए जिसने ये बोला है। और दूसरा है सॉप सैंड एंड ग्रेवल। भाई साहब, ये पोस्ट बॉक्स है, ये पीछे है, पीछे नोटिस बोर्ड मेरा पीछे है, तो नोटिस बोर्ड यार, नोटिस बोर्ड की तरह ये पोस्ट बॉक्स को यूज़ कर रहे हैं। छोड़ो, कोई बात नहीं, चलते अपने शॉप के अंदर। तो गाइस, आ गए हैं अपने शानदार अंडर वाटर सेडर के साथ अपने शॉप में, और इधर पे थोड़ा बहुत स्टॉक कर लेता हूँ मैं अपना जो सी लैंटर्न्स का सामान है, तो चार स्टैक काफ़ी रहेगा शायद। ओके, तो सी लैंटर्न का जो स्टॉक था वो कंप्लीट कर दिया है, और अभी ओके, यहाँ पे दो सिर्फ सेल हुआ और यहाँ पे एक सेल हुआ। तो यार, हमारे पास डायमंड की कमी पड़ने वाले है क्योंकि कुछ सेल ही नहीं होता, सिर्फ सी लैंटर्न बिकता है और प्रिजमरीन ब्लॉक तो कोई मतलब ख़रीदता भी नहीं, और प्रिजमरीन ब्लॉक मेरे पास और भी बहुत सारे हैं अपने बेस के अंदर। तो यार, शायद इसका रेट रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि प्रिजमरीन जो ब्लॉक है इसका प्राइस मुझे घटाना चाहिए, मेरे को रिड्यूस करना चाहिए या नहीं? तो आई थिंक मेरे को घटाना चाहिए क्योंकि ये सेल नहीं हो रहा और मेरे पास डायमंड भी नहीं आ रहा। तो आप लोग कमेंट करो। और गाइस, बाकी का जो सी लैंटर्न मेरे पास है दो स्टैक, वो मैं अभी टाउन हॉल के लिए डोनेट करने वाला हूँ, तो वो लोग भी टाउन हॉल के लिए जल्दी जल्दी काम स्टार्ट कर पाएगा, तो ये भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये दो स्टैक सी लैंटर्न, ओके, तो ये भी काम हो गया। अभी चलते हैं अलाला कैफे के अंदर और वहाँ पे मछली जो है हमारा फिश, तो उसको भी दे के आते हैं अलाला कैफे में। तो गाइस, पता नहीं इसके आगे जो वीडियो क्लिप था वो अचानक से बंद हो गया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों, सो सॉरी फॉर दैट। और गाइस, सब लोग मेरे को बोलता है कि साउट आउट दो, साउट आउट दो, तो एक काम करते, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मैं साउट आउट कैसे दूँ, मेरे को साउट आउट सिस्टम के बारे में कुछ भी पता नहीं कि कैसे करना है नहीं करना है। तो आप लोग कमेंट में ये भी लिखना कि साउट आउट जो सिस्टम है वो मैं कैसे करूँ, मतलब उसका आइडिया जो है वो आप लोगों को देना पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट में दे सकते हो या फिर मेरे डिस्कॉर्ड में आके वहाँ पर भी बोल सकते हो, तो ये आपके ऊपर मर्जी है। और आप लोग इस वाले वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए कि कैसे साउट आउट दिया जाए, मतलब साउट आउट का पूरा सिस्टम आपको बताना पड़ेगा। तो उसमें से मैं टॉप जो होगा, मतलब जो सबसे अच्छा होगा वो मैं लेने वाला हूँ, तो वो आप लोग कमेंट कीजिए कि कैसे साउट आउट देना है, और दूंगा उसके बाद अगले वीडियो से साउट आउट। एंड गाइस, और एक बात जो मेरे को बोलना था कि अगर तुमने अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लो, और
वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और अगर कमेंट कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, मैं रिप्लाई देने का कोशिश भी करता हूँ हर एक कमेंट का, अगर मेरे को टाइम ज़्यादा मिलता है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैं हर एक बंदे का, मतलब ज़्यादातर बंदे का कमेंट का रिप्लाई कर पाया, तो मैं कमेंट हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता, तो हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ, और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, जल्दी से जल्दी 2000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, तो आप लोग के हाथ में है, आप लोग कर सकते हैं, कर दीजिए आप लोग। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने ओल्ड बेस में, और यहाँ आने का एक ही रीज़न है, तो मैं अभी बता देता हूँ वो रीज़न। तो आप लोग देख सकते हो मेरा लेवल्स कितना है, मेरा लेवल्स 93 है, जो कि मैं गार्डियन फार्म में मिल गया था इतना लेवल्स, तो मैं ट्राई कर रहा था कि 100 लेवल इस बार करके ही रहूँगा। तो जैसे ही मैं सोचा, अचानक से मेरे को डिस्कॉर्ड पे एक मैसेज आया पॉकेट के तरफ से, तो उसने बोला कि उसको एक बो चाहिए, बहुत अर्जेंट है, तो उसके लिए एक बो एनचेंट करना पड़ेगा, और मेरा लेवल अभी जाने वाला है, तो कोई नहीं, पहले बो देना चाहिए और लेवल तो आता जाते रहेगा, और बाद में भी कर सकते हैं, तो चलो उसके लिए एक बो तैयार करते हैं। तो गाइस इसके बाद का जो क्लिप है वो मैं दूसरे दिन रिकॉर्ड कर रहा था, तो पता नहीं क्यों ऐसा ग्लिची साउंड रिकॉर्ड हुआ, तो मैं बहुत कोशिश किया और कुछ हद तक तो साउंड ठीक आ गया है। तो गाइस मैं अपना सारा सामान लेके आ गया एन्चेंट करने के लिए, तो और मेरा अभी 80 लेवल हो गया है, क्योंकि मैं शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट गया था और कुछ कुछ चीज़ें किया, जैसे कि एनविल से कुछ लिखा था वहाँ पे, तो इसलिए लेवल कम हो गया क्या। तो अभी करते हैं एन्चेंट और देखते हैं हमारे लक अच्छा है या नहीं। इसमें फ्लेम अनब्रेकिंग नहीं चाहिए, ओके, फेदर फॉलिंग 4 है, इसे ट्राई करते हैं। नाइस, कुछ अच्छा नहीं, ओके अभी देखते हैं इन्फिनिटी, ओके ये लेने वाला हूँ मैं, सिर्फ इन्फिनिटी आया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, और अभी फिर से इन्फिनिटी, ओके और एक इन्फिनिटी, यार सिर्फ इन्फिनिटी इन्फिनिटी दे रहा है, क्या करूँ इसका। 5-1 नहीं चाहिए, तो एक बुक कर लेता हूँ, फायर एस्पेक्ट, ओके फायर एस्पेक्ट, सिल्क टच, पावर 4 ये काम आ सकते हैं, पावर 4 ओके, और फिर से इन्फिनिटी भाई साहब। ओके आई थिंक मेरे पास था एक बो, ये तो इन्फिनिटी वाला है, ओ भाई साहब यही तो है, फ्लेम 1 इन्फिनिटी 1 पंच 2 एंड पावर 4, मतलब इसमें सिर्फ अनब्रेकिंग 3 चाहिए और पावर 4 चाहिए बस। ओके तो ये सब इन्फिनिटी को रख दूँ मैं यहाँ पे, और इसको ले लेता हूँ, अभी चाहिए तो सिर्फ एक अनब्रेकिंग 3, जो कि अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, और मैं फटाफट और एक बो बना लेता हूँ, देखते हैं कि इसमें अनब्रेकिंग 3 मिलता भी है या नहीं। ओके तो यार पावर 4 मिल रहा है, ले ही लो क्या करें, यार अनब्रेकिंग 3 नहीं मिल रहा, ओके पावर 4 आ गया, ये दोनों को हम लोग कंबाइन करने वाले हैं, और अनब्रेकिंग 3 चाहिए अभी एक, ओके यहाँ पे एक अनब्रेकिंग 3 का बुक है मेरे पास, तो वो मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो अभी ये अनब्रेकिंग 3 यूज़ कर लेते और बाकी का सामान तो रख दो, क्योंकि सबका सब कुछ मिल चुका है जो भी चाहिए था, तो ये रखो, इसमें क्या रखा था, इसमें शायद लैपिस रखो, ओके तो अभी अनविल का काम है, मैं स्ट्रिंग रख देता हूँ, ओके तो अभी अनविल का काम है, तो अनविल में सबसे पहले तो पावर 4, इसमें पावर 4 मिलेगा और उसके बाद अनब्रेकिंग 3 मिल डलेगा, तो सब कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना चाहिए, आई थिंक इसमें ये डाल देना चाहिए, तो 3 लेवल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये डाल दिया और अभी अनब्रेकिंग 3 आ गया हमारा ओपी वो, और ये भी टूट गया भाई साहब एनविल। ओके तो ये देखो इसमें क्या क्या इंचेंटमेंट है, फ्लेम 1 अनब्रेकिंग 3 इन्फिनिटी 1 पंच 2 और पावर 5, तो ये बो तो इसका बो तो मेरा बो से भी अच्छा बन गया, तो ओके मैं भी अपने लिए एक बाद में बना लूँगा।
तो गाइस आ चुके हैं पॉकेट के बेस पे और कितना मस्त लग रहा है बाहर से ही और अंदर से तो बहुत ही मस्त है। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो उसके YouTube जो चैनल है उसमें जाके आप देख सकते हैं उसका बेस कैसे बन रहा है। तो फिलहाल तो मैं अभी अंदर नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि उसका बेस बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है और अगर मैं एक बार अंदर चला गया तो बहुत टाइम मेरे लग जाएगा। तो अभी मैं नहीं जाने वाला और इसमें रख देता हूँ अपना बो जो कि मैं पॉकेट को देने के लिए लाया था। तो ये रहा बो और उसके साथ एक साइन चाहिए होगा तो मैं फटाफट एक साइन निकाल लेता हूँ अपना जो कि अपने इंडर चेस्ट पे है। ओके ओके तो पहला काम हो गया है, अभी चलते जॉम्बी के पास। फाइनली जो रेड था वो कंप्लीट कर दिया है और मेरे को हेल्प किया जॉम्बी ने और यूटीके भी हेल्प किया, वो भी ऑनलाइन आ गया था तो बहुत बढ़िया रहा। और हीरो ऑफ द विलेज भी मिल गया है तो यार करने कुछ और आया था और हो कुछ और गया और ऐसा ही होता है माइनक्राफ्ट में हमेशा। तो चलो अभी यूटीके से बात कर लेते हैं। ओके तो यूटीके मिल गया। हेलो यूटीके। हेलो हेलो सॉफ्ट साइलेंट, बोलो कैसे हो। बढ़िया, आप बताओ। मैं तो यहाँ पे बस अपना ये एंडमेंट देख रहा था, अपने बेस के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहा था। ओके तो मतलब और भी रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स तो अभी बहुत कमी पड़ने वाली है रिसोर्स की, तो बहुत। लेकिन इस बार मैं हेल्प नहीं करने वाला, ठीक है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। और बताओ क्या हाल है, तुम्हारे साथ तो मुलाकात ही नहीं होता। अब थोड़ा होने लग गया। इसका काम में वाला सा आता है, थोड़ी माइनिंग वाइनिंग करने में, सैंड वगैरह, सैंड स्टोन है। ओके थोड़ा मतलब कम आता हूँ मैं। तो आप कैसे आना हुआ आपका? हाँ तो मुद्दे के बात ये है कि देखो आपके पास विलेजर्स है, बुक्स है और मेरे पास अनलिमिटेड एक्सपी है, तो क्यों ना हम लोग ये दोनों चीज़ को कंबाइन करके एक ऐसा शॉप खुले जिसमें सारे के सारे जो एन्चेंटेड आर्मर और वेपन्स होते हैं, मतलब टूल्स होते हैं, वो सब हम लोग बेचेंगे और उसमें से प्रॉफिट कमाएंगे। ओके तो आर्मर वगैरह, टूल्स वगैरह, ये सब कहाँ से आएंगे? तो देखा जाए तो इसके लिए पहले कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा जैसे कि 10-10 डायमंड करके, और फिर जब मतलब जब सेल हो जाएगा। एक और तरीका है। हाँ बोलो। हमारे मेरे पास विलेजर है ना, मेरे पास विलेजर में एक आर्मर है, वो आर्मर भी बेचता है, उससे खरीद के हम उन्हीं को एन्चेंट करके बेच देंगे। हाँ वो भी कर सकते तो ये अच्छा है वैसे। ठीक है, ये अभी नेदर अपडेट आ रहा है, नेदर अपडेट आ रहा है, उसमें बहुत जरूरत पड़ेगी, नेदरराइट आर्मर आएगा। हाँ सही कहा, ये तो मैं सोचा भी नहीं। हाँ तो करते हैं फिर, करते हैं, बिल्कुल करना है। ओ नाइस। ओके तो कब स्टार्ट करना है, कल से? हाँ बिल्कुल कर देंगे। मेरे को बस रिसोर्सेज बता देना कि अभी मेरे को फिलहाल रिसोर्सेज क्या क्या कलेक्ट करने होंगे उसके लिए। ओके मैं आपको बता दूंगा। ओके ठीक है। हाँ ओके बाय बाय। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख ही लिए कि हम लोग यूटीके के साथ एक नया मतलब बिजनेस पार्टनरशिप कर लिया और उसके लिए एक प्लॉट भी चाहिए होगा जो कि शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में रहेगा और उसी प्लॉट में उसी शॉप के अंदर हम लोग वो चीज़ें जो है वो बेचने वाले हैं। तो वो प्लॉट क्या होगा, मैं यूटीके के साथ थोड़ा टाइम डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद उसने बोला कि उसका जो एन्चेंटेड बुक्स का शॉप है जो कि ये है, तो ये जो एन्चेंटेड बुक्स का शॉप है इसमें ज़्यादा कुछ मतलब सेल नहीं हो रहा। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ इसके अंदर जाके, तो ये देखो लास्ट जो ऑर्डर है वो मेरा ही ऑर्डर था, जो बहुत दिन पहले मैं किया था वही ऑर्डर है। मतलब इसका जो है ये काम करना बंद कर चुका है और यहाँ पे सेल होना भी बंद हो चुका है। तो इसीलिए यूटीके बोला कि क्यों ना हम इसी जगह पे एक नया अपग्रेडेड शॉप बनाएं। तो ख्याल तो वैसे ही है कि इसी शॉप को हम अपग्रेड करने वाले हैं और मैं और यूटीके मिलकर, तो इस बार मज़ा आएगा ये शॉप बना के और कुछ प्रॉफिट भी मिलेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप लोगों के पास अगर कुछ अच्छा सजेशन या फिर कुछ सुझाव है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हो, और कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।